नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दिखा रही हूँ अब प्याज बोने के बाद दूसरे दिन। उस दिन संडे के दिन तो फिर मतलब हमने अदरक और पिड़ों यानी कि जो अरवी होती है खोद दी थी, फिर वो सुधार दिया था मैंने, सुधारा था मतलब। ये तो फिर अपने और कामों में बिजी हो गए थे, फिर मैंने सुधार दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने और अच्छे से खेत को अच्छे से मतलब सुधारा, मतलब ये है कि मट्टी वगैरह छान छून के मेरे हस्बैंड ने और अच्छे से सुधार के फिर थोड़ा मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके बोया। मतलब ज़्यादा उन्होंने लगाए प्याज, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भी हेल्प की। देखिए फ्रेंड्स कैसे हम लोगों ने ये अदरक और जो अरबी है खुदा, फिर अदरक और अरबी जो है वो हमने उसे अच्छे से सुधारना पड़ता है। मतलब जो उसमें एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह होते हैं उन्हें वो करके, उन्हें साफ सूप करके उन्हें थोड़ा देर उसी हमने खेत में ही रख दिया था। मतलब थोड़ा देर धूप में, थोड़ा देर आप और जगह भी रख सकते हैं, थोड़ा एक आध घंटा रख के फिर उसे हम अच्छे से स्टोर कर लेते हैं। या आप मतलब पेटी में रख दिया था हमने, या आप बोरे वगैरह में भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे गाँव में तो ज़्यादा होता था तो हम मिट्टी के अंदर डाल देते थे उसे, क्योंकि सूख जाता है बाहर वो। लेकिन हमारे यहाँ के तो ज़्यादा होता भी नहीं है, फिर यहाँ गीली मिट्टी है, बहुत पानी वाली है ये, तो बहुत लोग क्या करते हैं मतलब जो बोरे मिलते थे पहले उनमें डाल देते, फिर उनमें मतलब जो कौन कहता है हमारे वहाँ जो मतलब धान कूटने में जो उनके छिक्कल वगैरह निकलते हैं उनको भी डाल देते हैं शायद, फिर वैसे भी ख़राब नहीं होते अदरक। देखिए बहन से कैसे खोदा मेरे हस्बैंड ने अदरक और जो गडेरी है, और फिर मेरी सास ने उन्हें सुधारने में हेल्प की। मेरे हस्बैंड मतलब ये से उससे खोद रहे हैं कस्सी से, कस्सी कहते हैं ऐसे जो बड़ा ये बर्तन होता है खोदने वाला, ये चौड़ा होता है इसका मतलब जो मुंह होता है खोदने वाला। और ये मतलब अदरक बचा के और पिड़ों बचा के खोदिए, मतलब ये है कि थोड़ा खोद जिसमें आप उसको खोद रहे हैं तो ऊपर ऊपर जो पौधे में जो लगा हुआ है मतलब ये अदरक और पिड़ों, तो उसको आप थोड़ा बचा के थोड़ा आराम से खोदिए। उसके बाद फिर आप नीचे अच्छे से खो सकते हैं, क्योंकि बाद में बोना पड़ता है, और थोड़ा ज़्यादा खोदेंगे तो जो बचा हुआ अदरक वगैरह है वो भी निकल जाएगा। पता नहीं। ये देखिए मेरे हस्बैंड खोद रहे हैं और मेरी सास इसे सुधार रही है, मतलब इसमें देख रहे हैं आप पत्ते भी लगे हुए हैं, वो मतलब जो वो अदरक में से ये पत्ते वत्ते अलग से साफ करके फिर वो कर उसे साफ कर दे रही हैं। उसी दिन मैंने वो नमक बनाया था जो मैंने आपकी जिसकी रेसिपी शेयर की थी, तो उस दिन हमारे बहुत काम हुए थे, प्याज के पौधे भी लिए थे हमने, फिर इन्होंने अदरक वगैरह खोद दिया था, संडे के दिन का है ये। और फिर उसके बाद फिर मैंने सुधूर के उसको फिर हमने दूसरे दिन बोया था, मतलब दूसरे दिन थोड़ा सुबह बोया था मैंने, थोड़ा सुबह तो खैर अच्छे से सुधार था मेरे हस्बैंड ने, मतलब दिन में बोया था मैंने थोड़ा, और फिर उसके बाद बचा हुआ प्याज मेरे हस्बैंड ने बो दिया था। देखिए ये खोदने के बाद इतना ही निकला, मतलब बहुत हुआ इतना हमारे खाने के लिए, फिर घर में भी हो जाएगा। देखिए मैंने इसे खोद दिया है तो फिर मैं अब ये पूरा मतलब बोने के लिए वो तो खैर पार्वती ने बना दिए थे और खेत तो, लेकिन ये वाला जो क्यारी है वो मैंने अच्छे से बनानी पड़ेगी। इसमें से देखिए कैसे घास छाननी पड़ती है और पत्थर भी छानने पड़ते हैं जो होते हैं, वैसे तो अब पत्थर बहुत कम हो गए हैं हमारे क्यारियों में, लेकिन पहले बहुत थे। और उसके बाद जो सूखी घास और जो मट्टी खोदेंगे हम, ये ज़मीन खोद के जो हरी घास होती है मतलब जैसे जो जड़ सहित होती है मतलब खेत में उगी होती है, मतलब उसे भी खोद के पहले उसकी जड़ हल्की करनी होती है, या जड़ खोद के जड़ निकालनी पड़ती है बाहर नहीं पड़ती है, उसके बाद से उस घास को निकाला जाता है, मतलब जड़ को निकाल के ऐसे करके फिर हम ये खेत मतलब सुधारते हैं। देखिए ये घास वगैरह जो भी सूखी घास और वो है उसको
निकाल के हम कैसे छान रहे हैं, देखिए आप कैसे सुधारते हैं हम लोग, कैसे तैयार करते हैं मतलब कोई भी घास को फसल अभी बोने भी के लिए। होता खैर है। ये तो प्याज है, और भी चीज़ आप देखिए, और अगर गोबर की खाद बची होती है तो भी इसमें गोबर की खाद भी डालते हैं हम, लेकिन अभी हमारी थी नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा पहले डाली रखी थी हमने। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं से गोबर की खाद मिल जाएगी तो हम तो मतलब बीच में छड़ देंगे उसमें, फिर गोड़ने में वो उस पौधों में चली जाएगी, ऐसे करके फिर ये सुधार के हम बो देंगे। आज तो नहीं उठा रही तू, उठाते रहो। ये कहाँ से आया? साथ ही ट्रैक्टर भी चल रहा है, ट्रैक्टर से बुआई हो रही है खेतों में, उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। और ये मेरे जो ये जिससे मैं ये खेत सुधार रही हूँ इसे बौसा कहते हैं, और हमारे वहाँ, और जो गोड़ने के काम आता है मतलब जो नुकीला होता है सबसे ज़्यादा, उसे हम कुदाल कहते हैं, उसका मतलब जो मुंह होता है वो नुकीला होता है, ये जो लोहे लोहे का जिसे खोदते हैं। और ये जो बौसा होता है ये मतलब ऐसे सुधारने से दूरने के लिए, खेत में से थोड़ा ज़्यादा मतलब घास वास निकालनी हो तो इसके लिए ये ठीक रहता है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बने रहते हैं, मतलब ये जो भी खोदने वाले बर्तन या हथियार जो भी बोल सकता है आप इनसे। देखिए आप लोग बीच बीच में मैं मट्टी में जो ये मतलब बहुत से मतलब मार रही हूँ मट्टी में, तो ये तोड़ने के लिए मट्टी के गोले, ताकि मट्टी बराबर हो जाए, और इसे ये मतलब ये जो मट्टी के गोले जैसे बन गए, ये टूट के मट्टी जैसी बन जाए, मतलब ये पीस जैसी जाए इसे मट्टी, मट्टी बिखर के मतलब खेत में मट्टी बन जाए वो गोलों से, और बराबर हो जाए सारी मट्टी। इसलिए ये घास भी निकाल ली हूँ और इससे भी मैं पीटी हूँ, ऐसे करके भी पूरा मतलब खेत साफ हो जाता है और मट्टी बिल्कुल बराबर या छानी जैसी हो जाती है। ये लगभग मतलब ऐसे करके पूरा खेत में सुधार दूंगी, मैंने बहुत हद तक सुधार दिया था मतलब बोने लायक कर दिया था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को मतलब वो तो और भी अच्छे से मतलब तैयार करते हैं खेत, तो उन्होंने मतलब जो क्यारी होती है उसे और भी अच्छे से सुधारते हैं, मतलब मट्टी अच्छे से छानते हैं, तो उन्होंने और भी अच्छे से मतलब पहले खेत को छान छान छून के मट्टी उसकी साफ करके मतलब उसमें से पत्थर वगैरह घास और भी अच्छे से निकाल के फिर बोने लायक मतलब तैयार कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स भी उसके बाद में ये खेत में ये तैयार हो गया है, देखिए ये मैं प्याज के पौधे लगा रही हूँ, देखिए कैसे लगाते हैं। मट्टी हमने अच्छे से छान दी है मतलब अच्छे से साफ कर दी, देखिए आप कितना साफ हो गया खेत, मतलब ये है कि इसमें जो मोटे मट्टी के जो मोटे मोटे गोले हो रहे थे वो भी कुछ तोड़े हमने, मतलब दिखा रही थी मैं आपको कुदाल से तोड़े थे हम। उसके बाद फिर ये मतलब ये जो पौधे हैं इनको खाली ऐसे थोड़ा सा गड्ढा जैसा बना के उसमें डूबना पड़ता है, वैसे भी डूब जाएगा वो क्योंकि बहुत ही मतलब हल्की हो रही है मट्टी, लेकिन फिर भी कुदाल से खोदना जरूरी होता है क्योंकि ऐसे थोड़ा गड्ढा बन जाएगा तो फिर आप उसमें आराम से डूब सकते हैं। अभी मैं जिससे प्याज बो रही हूँ
ये नुकीला सबसे ज़्यादा जो बोने वाला जो बर्तन है इसे कुदाल कहते हैं, मतलब कुट्टा कहते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी में, हमारे यहाँ कुट्टा कहते हैं, तो कहीं कुटला कहते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग भाषा है, लेकिन कुदाल कहते हैं इसे हिंदी में हमारे वहाँ। अभी थोड़ा गहना मतलब घना बोना पड़ता है, मतलब नज़दीक नज़दीक बोना पड़ता है प्याज, क्योंकि हरा खाने के लिए भी हम लोग मतलब तोड़ेंगे मतलब उखाड़ेंगे, और साथ में पौधे उखाड़ते हैं हम लोग, बहुत लोग तो पत्ते भी उखाड़ते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर पौधे उखाड़ते हैं बीच बीच में जो घने होते हैं, इसलिए हम बहुत घना बो देते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी पत्ते भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि प्याज वो हो जाता है, लेकिन हम लोग पौधे ही ज़्यादा उखाड़ते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा हरा प्याज ही पसंद है, और वो ज़्यादा पौष्टिक भी होता है, क्योंकि वैसा प्याज तो बाजार में मिल ही जाता है और सीजन में सस्ता होता है, लेकिन हम बोते जाते हैं, फिर और भी जगह बच जाएगी तो और बाजार से हम ले लेंगे, लेकिन ये भटीड़ी से आते हैं जो हमारे दोली के उधर को है भटीड़ी गाँव, वहाँ का ये बीज बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी हमारे पास खेत तैयार नहीं था तो लेके फ़ायदा नहीं था, तो हमने जितने चाहिए थे उतने पौधे लिए, लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा मतलब इनका बीज होता है, तो ये मतलब बहुत कम फूलता है या बहुत कम ख़राब होता है, तो उसके बाद भी जैसे मिर्च वगैरह में जगह हो जाएगी तो वहाँ भी हम बाज़ार से ला के बो देंगे, बाज़ार में मिलते हैं, मतलब हरा प्याज खाने के लिए हो जाता है वहाँ। मतलब 10 बार गड्डियाँ मतलब जो हमने ली थी उनमें वो 100 के हिसाब से बनाते हैं, समझ लीजिए कि जो 100 तक वो होते होंगे एक एक जो ढेर होता है उसमें, लेकिन वो खुद ही बता देते हैं कि जो एक बंडल है उस मतलब सब में 100 होनी मुश्किल है, क्योंकि मैं शुरू शुरू में तो कुछ बंडलों में तो मैं गिनता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मतलब मैं अंदाज से बनाता हूँ जितने मोटे या जितने बड़े वो बंडल बनते हैं उसी हिसाब से, तो फिर पहले ही वो क्लियर कर देते हैं, तो लेकिन फिर भी प्याज इतना अच्छा होता है इनका कि बहुत ही कम ख़राब होता है, और मतलब जो फूलता है मतलब पहले फूल जाता है वो, मतलब ये वो फिर उसके बाद ख़राब हो जाता है, तो ऐसा बाजार का और जगह का निकलता है, उनका नहीं निकलता है, और प्याज भी बहुत बड़े बड़े मतलब उनके दाने होते हैं, और हरा प्याज भी खाने में बहुत अच्छा होता है, तो इन्हीं से लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके बनाते हैं, ज़्यादातर यही काम करते हैं ये, समझ लीजिए 10 बार जो बंडल है उनमें कम से कम 1100 या 1000 तक पौधे तो होंगे, और ज़्यादातर सब लग जाते हैं, मतलब ख़राब भी नहीं होता, मरता भी नहीं है प्याज, और बीच बीच में हम लोग खाने के लिए उखाड़ लेते हैं, बहुत कम फूलता है या ख़राब होता है, तो वो भी हम जैसे फूलने लगता है कभी कभार तो वो उखाड़ लेते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये हरी सब्जी प्याज की बहुत खा लेते हैं हम लोग, जिस साल रोग लग जाए प्याज में या नहीं हो पाए तो और बात है, इसलिए मैं बोलती हूँ आपके पास भी थोड़ा सी जगह है तो आप भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करिए, उसमें बोइए, फूली भी लगाइए, मतलब कुछ कम से कम हरियाली होगी और वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, सब्जी लगाएंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी पौष्टिक हुआ, और सब्जी का खर्चा भी थोड़ा बच जाएगा, ये मतलब बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें कई बहुत फ़ायदे हैं।
बेचते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमने पूरा खेत मतलब वो दिया था प्याज के पौधों से। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें पसंद आए तो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है उषा ब्लॉग्स। और आपके पास भी थोड़ी सी भी जगह है तो आप उसे सब्जी या मतलब कुछ और पौधे या आप फूल वगैरह लगाने में उसे उसे ज़रूर इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।